हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके पीजीटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल सक्सेस। अगर आप नेट JRF PGT TIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कम्प्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द साइंस ऑफ कल्चर पुस्तक संबंधित है, यानी कि जो बुक का नाम है वो द साइंस ऑफ कल्चर है, और तुम्हें बताना है किसकी बुक है। ऑप्शन है टाइलर, लेस्ली वाइट, विस्लर, फ्राइड। बताइए द साइंस ऑफ कल्चर बुक किससे रिलेटेड है, किसकी है वो। द साइंस ऑफ कल्चर, टाइलर, लेस्ली वाइट, विस्लर या फिर फ्राइड, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट का। बताइए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। द साइंस ऑफ कल्चर किसकी हो जाएगी, लेस्ली वाइट की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है, एंड इस वीडियो में आज टोटल 40 क्वेश्चंस है, ठीक है, 40 क्वेश्चंस है, और इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी यानी कि कल वाली, उसमें भी 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और ये पूरा जो 1000 की जो सीरीज थी क्वेश्चंस की वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद मैराथन जो क्लास होगी वो आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है या तर्क है। ऑप्शंस हैं जॉनसन, ब्लूमर, दीपांकर गुप्ता, बोडिलार्ड। उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है, ये किसका कहना है। जॉनसन, ब्लूमर, दीपांकर गुप्ता, बोडिलार्ड है ऑप्शंस में, क्या होगा यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उत्तर आधुनिक समाज को मीडिया समाज किसने कहा था, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोडिलार्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। और जो उत्तर आधुनिक समाज है इसको बोडिलार्ड कंज्यूमर सोसाइटी भी बताते हैं। उत्तर आधुनिक समाज क्या है, मीडिया समाज है यह समाज, यानी कि उत्तर आधुनिक समाज कंज्यूमर सोसाइटी है, उपभोग का समाज है, और इसकी जो संरचना है उत्तर आधुनिक समाज की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो भी क्या है, कंज्यूमर है, ठीक है, कंज्यूमर उपभोग पर आधारित है, उपभोग का बना हुआ है, न केवल संरचना बल्कि संरचना के साथ जो इस समाज में जो स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है, स्थिरीकरण देखने को मिलता है, सामाजिक स्थिरीकरण है, वो भी उपभोग पर ही निर्भर है, ठीक है। तो उत्तर आधुनिक समाज को मीडिया समाज, ठीक है, इसके अलावा जो उपभोग का समाज है या उत्तर आधुनिक समाज को उन्होंने संकेत का समाज कहा है बोडिलार्ड ने, तो ये सारी बातें याद रखिएगा, बोडिलार्ड से संबंधित है। नेक्स्ट है, आधुनिकता मूल्यों की एक गठरी है जो संपूर्ण मानवीय व्यवहार को निर्धारित करती है या संबंधित है। ऑप्शन है जॉनसन, सम्नर, योगेंद्र सिंह, लियोतार्ड। आधुनिकता मूल्यों की एक गठरी है जो संपूर्ण मानवीय व्यवहार को निर्धारित करती है, यह संबंधित है। ऑप्शंस में है जॉनसन, सम्नर, योगेंद्र सिंह, लियोतार्ड हैं, क्या होगा यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर। आधुनिकता को मूल्यों की गठरी बताया जो मानवीय व्यवहार को निर्धारित करती है, तो यहाँ पर क्या होगा, किसका कहना है, योगेंद्र सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। योगेंद्र सिंह के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि पहली जो है आपकी जो एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है, तो नाम क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल चेंज। पूरे पूरा बुक का नाम क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, आपने देखा होगा, बस इतना ही बोलते हैं, पूरा नाम देख लेते हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन इंडियन ट्रेडिशन अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल चेंज है। नेक्स्ट जो इनकी बुक है इंडियन सोशोलॉजी है, क्या है, इंडियन सोशोलॉजी है। फिर नेक्स्ट जो बुक आती है सोशल चेंज इन इंडिया है, सोशल चेंज इन इंडिया है। फिर एक बुक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड
चेंज इन इंडिया, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, इसके अलावा आइडियोलॉजी एंड थियोरी इन इंडियन सोशियोलॉजी है, आइडियोलॉजी एंड थियोरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, या सोशियोलॉजी से हम बोलते हैं आइडियोलॉजी एंड थियोरी इन इंडियन सोशियोलॉजी बुक है। ये सारी बुक्स किसकी हो जाएंगी, योगेंद्र सिंह की हो जाएगी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है या कहना है, पूंजीवाद का जो विकास है या उसका जो विस्तार होता है उसको ही ग्लोबलाइजेशन किसने कहा है, बताइए। ऑप्शंस में है एंथोनी वेलस, एंथोनी गिडेंस, दीपांका गुप्ता, वॉलस्टीन। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, एंथोनी वेलस, एंथोनी गिडेंस, दीपांका गुप्ता, वॉलस्टीन ऑप्शंस में है। फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पूंजीवाद का जो विकास है और जो उसका विस्तार है वो ही वैश्वीकरण है, भूमंडलीकरण है, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, किसका कहना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉलस्टीन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। और इनकी, वॉलस्टीन की बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म है, ठीक है, ऐतिहासिक पूंजीवाद है, हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म इनकी, वॉलस्टीन की बुक का नाम है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी हुई थी, यानी कि जो विश्व व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो इन्होंने दिया था वॉलस्टीन में, ठीक है, हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म ये इनकी बुक हो जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो नियंत्रण है वो किसने दिए हैं, ऑप्शंस में है के यंग, यानी के यंग, ठीक है, किम्बॉल यंग, सदरलैंड, पॉल मैनह्यू। क्या हो जाएगा, सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण जो है वो किसने दिए हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए में उसकी जगह आप कर लें एम, ठीक है, एम यंग। तो ऑप्शंस हो जाएंगे एम यंग, किम्बॉल यंग, सदरलैंड, पॉल मैनह्यू। तो जो सोशल कंट्रोल है उसके जो दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो किसने बताए हैं। एंड जब सोशल कंट्रोल की बात आती है तो सामाजिक नियंत्रण के जनक कौन है, रॉस है, सोशल कंट्रोल इनकी बुक रही है जिसमें उन्होंने व्यवस्थित तरीके से सामाजिक नियंत्रण की बात की हुई है। और यहाँ पर जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात हो रही है, जो सामाजिक नियंत्रण के जो प्रकार है वो किसने बताए हैं, पॉल मैनह्यू ने। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनके बुक का नाम क्या है, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया है, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया इंपॉर्टेंट बुक है, आपके पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया, ऑप्शंस में है दुर्खीम, सबनम, मैकेवर, रॉस। क्या हो जाएगा, सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया है, ऑप्शंस में दुर्खीम, सबनम, मैकेवर, रॉस दिया हुआ है। तो यहां पर क्या होगा, रॉस, ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, रॉस, ठीक है। रॉस क्या है, सामाजिक नियंत्रण के जनक है, अभी आप लोगों को बताया गया। सोशल कंट्रोल जो इनकी बुक आई थी 1901 में, और इस बुक में ही, सोशल कंट्रोल बुक में ही इन्होंने सामाजिक नियंत्रण की बात की थी व्यवस्थित तरीके से। और सामाजिक नियंत्रण को किस तरीके से ये परिभाषित करते हैं, उनका क्या कहना है कि कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है, सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियां हैं जिनके द्वारा समुदाय व्यक्तियों को अपने अनुरूप बनाता है, उन शक्तियों के द्वारा समुदाय व्यक्तियों को अपने अनुरूप बनाता है, वे ही क्या है, सामाजिक नियंत्रण है। और ये कहना रॉस का है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है, यहाँ पर कौन सी एक ऐसी संस्था है जो कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, ऑप्शंस में है जाति, संयुक्त परिवार, तृतीयक उद्योग, कुटीर उद्योग। क्या हो जाएगा, जाति, संयुक्त परिवार, तृतीयक उद्योग और कुटीर उद्योग दिया हुआ है, क्या होगा, बताइए। सेवन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा,
उद्धव। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कृषक समाज की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? कृषक समाज पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कृषक वर्ग नहीं पूछा गया है। ऑप्शंस में है आंद्रे बेते, रॉबर्ट रेडफील्ड, बियर स्टेट, एस ए दुबे। कृषक समाज की अवधारणा किसकी थी? आंद्रे बेते, रॉबर्ट रेडफील्ड, बियर स्टेट, एस ए दुबे। ऑप्शंस में है क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये इनकी इनका कॉन्सेप्ट है। और किस बुक में उन्होंने ये अवधारणा दी है? तो बुक का नाम है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर ये इनकी बुक है जिसमें उन्होंने कृषक समाज की अवधारणा दी है। और कृषक समाज की ये पांच विशेषताएं बताते हैं। चलिए बात कर लेते हैं उन विशेषताओं के बारे में, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एंड जो पहली जो विशेषता इन्होंने बताई है, समरूप समाज। कृषक समाज कैसा है? समरूपता समाज, इसमें समरूपता पाई जाती है, समरूप समाज है। दूसरी जो इसकी विशेषता है कि सदस्यों में जो भूमि, जो कृषक समाज है ठीक है, वहाँ उस समाज के जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, उनका भूमि पर नियंत्रण होता है ठीक है। उस भूमि पर नियंत्रण होता है उनका, उस भूमि पर वे क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। ये उसकी दूसरी विशेषता हो जाएगी। तीसरी क्या है, ये जो बताते हैं कि जो कृषक समाज है वो अविभेदीकृत और अस्त्रीकृत समाज है। अविभेदीकृत और अस्त्रीकृत समाज है कृषक समाज। चौथी विशेषता है, ये समाज नगरों और कस्बों के जो कुलीन वर्ग है उससे भिन्न है। लेकिन हालांकि ये जो वर्ग है ना कृषक समाज, वो इनसे प्रभावित होता रहता है अनेक क्षेत्रों में ठीक है। तो जो कृषक समाज है वो नगर और कस्बों के जो कुलीन वर्ग होते हैं उनसे अलग है, लेकिन उनसे वो कई क्षेत्रों में प्रभावित होता रहता है। एंड लास्ट में बताते हैं कि ये जो आर्थिक आधार है उस पर कृषक समाज अन्य समाजों से क्या लिए हुए भिन्नता है, उसमें अंतर है कृषक समाज पर, और वो आर्थिक आधार पर ये बता रहे हैं ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड का है। इसके अलावा इन्होंने जो और भी कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे कि फोक कल्चर क्या है, फोक सोसाइटी क्या है, यानी कि लोक समाज की जो अवधारणा है, लोक संस्कृति की अवधारणा है, लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा है। लिटिल कम्युनिटी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता भी है कि लघु समुदाय के बारे में उनका क्या कहना था। भारतीय गांव को लघु समुदाय बताया था। लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है। और लघु समुदाय की जो चार विशेषताएं बताई थी वो, इसके अलावा एक लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा, ये भी इनकी अवधारणा है। और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत में दो तरह की परंपराओं की बात की थी, लघु समुदाय और सॉरी लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में किया है? कृषक समाज का जो क्लासिफिकेशन है वो संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस में है रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, जी एस गुरिये, हेरोल्ड जे पी के। एंड कृषक समाज जो टॉपिक है आपका सिलेबस में, इसको भी कवर कराया गया है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहां से जितने लोगों ने भी वीडियो नहीं देखा है तो उनको जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शंस में रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, जी एस गुरिये, हेरोल्ड जे पी के दिए हुए हैं। क्या होगा यहाँ पर, कृषक समाज का जो वर्गीकरण है संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में इनमें से किसने किया है? तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, हेरोल्ड जे पी के। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में माना? कृषक जातियों को पिछड़ी जाति किसने कहा है? ऑप्शन है आंत्रे बेते, एम एन श्रीनिवास, के एल शर्मा, जी एस भूरिए। आंत्रे बेते, एम एन श्रीनिवास, के एल शर्मा, जी एस भूरिए दिया हुआ है। क्या होगा यहाँ पर, आंत्रे बेते, एम एन श्रीनिवास, के एल शर्मा, जी एस भूरिए। कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में किसने माना है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंत्रे बेते हो जाएगा। और आंत्रे बेते कृषक
कृषक समाज को मिश्रित समाज भी कहते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है, आइए देखते हैं। ऑप्शंस है वाहनों का आधिक्य, बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण इनमें से क्या है, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता, जो विषय आपका सिलेबस में है टॉपिक सामाजिक गतिशीलता, इसको भी कवर कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल मोबिलिटी की बात की जाए सामाजिक गतिशीलता की, तो सबसे पहले सोरोकिन ने बात की थी, और इनके बुक का नाम भी क्या है, सोशल मोबिलिटी है। और सोरोकिन की इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि क्राइम एंड पनिशमेंट है, एक बुक का नाम क्या है, क्राइम एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट जो बुक है, एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी है, एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी। फिर एक बुक आती है सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी। फिर एक बुक आती है कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थियरी, कंटेम्पररी सोशियोलॉजिकल थियरी। और एक बुक है सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स, सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स। इस बुक में ही इन्होंने सोशल चेंज से रिलेटेड जो थियरी रही है, इनका सिद्धांत रहा है, उसकी बात इन्होंने अपने इस बुक में सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स में की हुई है, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, ये किसका कहना है? समाज को व्यक्तिगत विचारों के बीच में एक संबंध किसने बताया है? ऑप्शंस में मैक्स वेबर है, पार्सन्स है, सीएच कूले है, रॉबर्ट पार्क है। क्या होगा, समाज एक व्यक्तिगत विचारों के बीच में एक संबंध है, मैक्स वेबर, पार्सन्स, सीएच कूले, रॉबर्ट पार्क, क्या हो जाएगा? सी एच पुले, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और पुले पुले का एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह। और 1909 में इन्होंने इनकी एक बुक आती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन। इस बुक में ही इन्होंने ये जो अवधारणा है प्राथमिक समूह की, ये अवधारणा दी है। और प्राथमिक समूह को क्या बताया कि ऐसा समूह जिनके सदस्यों के बीच में आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध या सहयोग पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक समूह कहेंगे। और प्राथमिक समूह के उदाहरण किसको बताएं, तीन बताए थे, परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, कूले ने प्राथमिक समूह के कौन से उदाहरण दिए थे और किस बुक में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट अपना दिया हुआ है, और जो डेफिनेशन है वो भी पूछी जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अपराध एक है, ऑप्शंस में है सामाजिक व्यवहार, अनुमोदित व्यवहार, असामाजिक व्यवहार, या फिर सामूहिक व्यवहार, वो क्या हो जाएगा। एंड क्राइम पर भी, ठीक है, क्राइम पर भी, अपराध पर भी, इस टॉपिक पर भी बात की जा चुकी है, क्लास ली जा चुकी है, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। किसी ने कमेंट में दो तीन बार कहा है कि मैम क्राइम से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके एमसीक्यूज कवर करा दीजिए, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पर वीडियोस मिल जाएंगे, फोल्डर बना हुआ है क्राइम से रिलेटेड। आई थिंक उसमें तीन वीडियोज भी हैं, ठीक है, क्राइम से रिलेटेड तीन वीडियोज आपको मिलेंगी। तो जो क्राइम है वो कैसा व्यवहार है ये बताना है। यहाँ पर क्या होगा, सामाजिक व्यवहार, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया है? अपराधी की बात हो रही है, दीर्घ आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया है? ऑप्शंस है अलेक्जेंडर एंड स्टॉक, किंग्सले डेविस, सदरलैंड बेंडर, क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर? अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने स्थितिजन और सुव्यवस्थित अपराधों का वर्गीकरण दिया है? स्थितिजन और सुव्यवस्थित अपराधों का वर्गीकरण इनमें से किसने दिया है? ऑप्शन है वॉल्डन,
लेमोट या फिर इनमें से कोई नहीं। वॉल्टन बोंगर लेमोट या फिर इनमें से कोई नहीं। स्थितिजन्य और सुव्यवस्थित अपराधों का वर्गीकरण इनमें से किसने दिया है? क्या होगा? लेमोट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, और अगर हम सदरलैंड की बात करते हैं तो सदरलैंड ने अपराध को कैसा व्यवहार बताया है, क्योंकि लोमबोसो से असहमति दर्ज करते हुए वो बताते हैं, अपनी बात रखते हैं। लोमबोसो क्या कहते हैं, व्यक्ति जन्म से ही अपराधी होता है। ठीक है, इससे असहमत थे सदरलैंड, और उनका कहना था व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है, बल्कि वो समाज में रहकर ही अपराध को सीखता है। जो अपराध संबंधी जो गतिविधियां होती है, अपराध संबंधी जो व्यवहार होता है, उसको व्यक्ति समाज में रहकर ही सीखता है। तो ये इनका कहना था सदरलैंड का। और सदरलैंड अपराधी की दो तरह के प्रकार बताते हैं, अपराधी के दो प्रकार बताते हैं, निम्न वर्गीय अपराधी और श्वेत पोश अपराधी, या ठीक है श्वेत पोश। और श्वेत वसन से रिलेटेड भी इनका जो क्राइम है, श्वेत वसन अपराध, या जिसे हम सफेद पोश अपराध कहते हैं, ये भी अवधारणा सदरलैंड ने दी हुई है। और जो सदरलैंड की बुक्स हैं, जैसे कि क्राइम एंड पनिशमेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, व्हाइट कॉलर क्राइम है, व्हाइट कॉलर क्राइम पेपर कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, इनका जो कॉन्सेप्ट है सफेद पोश अपराध, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेमर्ड हो जाएगा। इन्होंने स्थितिजन्य और सुव्यवस्थित अपराधों का वर्गीकरण दिया हुआ है। नेक्स्ट है, किसका विचार है कि समान अपराधी एक मिथक है? समान अपराधी को एक मिथ किसने बताया? ऑप्शंस में है डेविड अब्राहम सेन, ए आर लेड स्मिथ, टॉफ और मावरल। क्या हो जाएगा, किसका तर्क है? इनमें से किसका विचार है कि जो समान अपराधी है वो एक मिथक है? डेविड अब्राहम सेन, ए आर लेड स्मिथ, टॉफ या फिर मावरल। क्या होगा? डेविड अब्राहम से। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतर क्रिया में परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा? व्यक्ति और जो समाज के बीच में अंतर क्रिया होती है, जब उस अंतर क्रिया में परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वो परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज कहलाता है। और ये कहना किसका है? ऑप्शन में वॉनबीज है, वेबर है, पार्सन्स है, पूले हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, वॉनबीज, वेबर, पार्सन्स, पूले दिया हुआ है। तो यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। पार्सन्स स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट में आते हैं, संरचनात्मक प्रकारवादी में आते हैं पार्सन्स। और इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है सोशियोलॉजी में, वो तीन रहा है मेन। एक्शन थ्योरी इन्होंने दी है, जो क्रिया सिद्धांत की बात की हुई है। और इसके अलावा ठीक है, सोशल एक्शन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सामाजिक क्रिया के ऊपर जो बात रही है, फंक्शनल थ्योरी, प्रकारवाद की जो बात की है वो, और सोशल सिस्टम, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। और इनकी जो बुक्स हैं, जैसे कि द सिस्टम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, एक बुक का नाम क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है। फिर एक बुक आती है इनकी, द सोशल सिस्टम नाम से, ठीक है, द सोशल सिस्टम नाम के से है। फिर एक बुक है सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी, सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी है। फिर द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, ये सारी बुक्स किसकी हो जाएंगी, पार्सन्स की हो जाएंगी। नेक्स्ट है, किसके अनुसार युद्ध मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है? युद्ध, वॉर, ठीक है, युद्ध को मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप इसमें से किसने बताया है? ऑप्शंस में है हीगल, कार्ल मार्क्स, विलियम जे गुडे, किम्बोलियम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विलियम जे गुडे, किम्बोलियम। तो यहाँ पर किम्बॉल यंग होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। किम्बॉल यंग की एक इंपॉर्टेंट बुक है, हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी, हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी ये बुक है, ठीक है, 1954 में आई थी ये, 1954 में।
हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी, और इन्होंने जो सामाजिक नियंत्रण है उसके भी दो प्रकार बताए थे, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और जो नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण है ये पेपर में भी पूछा जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका मानना है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं के द्वारा सदैव संभव है। ऑप्शंस में है केथ, घुरिए, हट्टन, श्रीनिवास। जाति व्यवस्था में गतिशीलता संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं के द्वारा सदैव संभव है, ये कहना किसका है? ऑप्शंस में केतकर, भूरिये, हट्टन, श्रीनिवास दिया हुआ है, यहाँ पर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? एम एन श्रीनिवास। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। और एम एन श्रीनिवास की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स को रिवाइज कर लेते हैं, आप लोगों को कई बार भी बताया जा चुका है, एंड जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं वो सभी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां से आपके टॉपिक से रिलेटेड जो फोल्डर्स हैं उनको बना दिया गया है, वहां से आपको वीडियोज मिल जाएंगी, और कुछ कॉन्सेप्ट जो कि एक ही वीडियो में बताए गए हैं उनके फोल्डर नहीं मिलेंगे, उनको आपको सर्च करके देखना पड़ेगा। और बुक्स के बारे में बात की जाए, बुक्स एंड ऑथर थे, तो जो सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनका भी फोल्डर आपको मिल जाएगा, एंड बुक्स एंड जो ऑथर्स हैं इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज में भी फोल्डर्स मिल जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं ना ऑप्शंस जब दे दिए जाते हैं तो क्या होगा, तो इस वजह से जैसे बच्चों ने कहा था तो उस पर भी उस तरीके से भी वीडियोस बनाई गई हैं बुक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर श्रीनिवास की जो बुक्स एंड इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं उनके बारे में बात की जाए तो एक बुक का नाम क्या है? द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द बुक्स ऑफ साउथ इंडिया। एंड आपको कमेंट में बताना है जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है उन्होंने किस बुक में दी है, और इनके कॉन्सेप्ट से याद आया एम एन श्रीनिवास के दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, एक है संस्कृताइजेशन जिसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट कास्ट, प्रभुत्व जाति या प्रभु जाति, ये दो मेन इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा उन्होंने हालांकि और भी कॉन्सेप्ट दिए हैं जैसे कि पश्चिमीकरण की अवधारणा क्या है, आधुनिकीकरण की जो अवधारणा है वो आ जाती है, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा भी आती है, फैलाव की भी अवधारणा आती है, तो ये सारे जो अवधारणाएं हैं कॉन्सेप्ट हैं वो एम एन श्रीनिवास के। लेकिन जो दो मेन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दो मेन इम्पोर्टेंट अवधारणाएं हैं वो है संस्कृतिकरण और प्रभुत्व जाति, तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन दोनों ही टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है उनको कंप्लीट कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा एम एन श्रीनिवास की अवधारणाएं, तो इनमें दो अलग अलग वीडियोज मिल जाएंगी, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। और आपको कमेंट में बताना है जो एम एन श्रीनिवास हैं उन्होंने किस बुक में संस्कृतिकरण की अवधारणा दी हुई है। तो यहाँ पर द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द बुक्स ऑफ साउथ इंडिया के अलावा द डोमिनेंट जो दो द डोमिनेंट कल्चर है, ठीक है, द डोमिनेंट जो कल्चर है उसके बारे में बात की है, वो जो बुक है वो दी है। इसके अलावा ये इसका पूरा नाम क्या है? द डोमिनेंट कल्चर एंड अदर एसेज, द डोमिनेंट कल्चर एंड अदर, सॉरी कल्चर नहीं होगा, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस। ठीक है, कल्चर कंफ्यूज हो गया, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस ये हो जाएगी। फिर एक नेक्स्ट जो बुक आती है इंडियाज विलेजेस है, ठीक है, इंडियाज विलेजेस है ये एक बुक है। फिर मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर है, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर है ये बुक है। फिर कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस ये हो जाएगी। फिर एक बुक है द रिमेम्बर्ड विलेज, द रिमेम्बर्ड विलेज हो जाएगी। इसके अलावा विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, ठीक है, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी एम एन श्रीनिवास से रिलेटेड, इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। आपके पेपर में पूछी जाती है जैसे कि रिलीजन सोसाइटी वाली पूछी जाती है, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस वाली पूछी जाती है, इंडियाज विलेजेस वाली पूछी जाती है, ठीक है, फिर द रिमेम्बर्ड विलेज ये भी पूछी जाती है, विलेज से रिलेटेड, ठीक है, गाँव से रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको मैचिंग में पूछ लिया जाता है और उसी में कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। एस सी दुबे की जो बुक रही है, मैके मेरिट की बुक रही है, एम एन श्रीनिवास की जो बुक रही है, और बी आर चौहान ने जो दी थी, ये सारी एक साथ ही पूछ ली जाती है, तो उन्हें जरूर याद रखिएगा। आपके जो बुक्स एंड ऑथर वाले जो वीडियोज हैं उनमें कराया गया है, और इन सभी बुक्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शंस में सहयोग है, आत्मसातकरण है, संघर्ष है और समझौता है, क्या होगा? प्रतिस्पर्धा यानी कि जो प्रतियोगिता है जब वह अपने नियमों का पालन नहीं करती है तब वह किसमें बदल जाएगी? सहयोग, आत्मसातीकरण,
आत्मसातकरण, संघर्ष या फिर समझौता। क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा, संघर्ष। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। और जैसे कि किंग्सले डेविस ने कहा भी था कि जहां प्रतियोगियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, वहीं पर क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, जहां पर प्रतियोगियों का ध्यान यानी प्रतिद्वंदियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिद्वंदियों पर आपस में केंद्रित हो जाता है, वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। वो ये कहना किसका था, किंग्सले डेविस का था। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको बतानी है। कमेंट में कई बार लोगों ने पूछा है, जैसे कि ग्रीन ने सहयोग को शांति को संघर्ष कहा है। याद रखिएगा, सहयोग के बारे में बात हो रही है, सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है, ग्रीन ने कहा है। और वेबर का क्या कहना था, प्रतिस्पर्धा के बारे में, कंपटीशन प्रतियोगिता के बारे में कहना था कि जो प्रतिस्पर्धा है वो क्या है, शांतिपूर्ण संघर्ष है। और ये कहना किसका था, वेबर का कहना था। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। एंड ये दोनों ही, ये सब तीन जो अभी आपको बताया है, किंग्सले डेविस ने क्या कहा है और ग्रीन और वेबर, ये सभी आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है ये बताना है। ये देख लेते हैं, टाइलर क्या कह रहे हैं, संस्कृति व समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून और ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का होने का जो सदस्य है, समाज मनुष्य का, समाज का मनुष्य सदस्य होने के नाते इन सभी को प्राप्त करता है। ये संस्कृति की डिफिनेशन दी है और ये सभी बताना है कि सही है कि नहीं। बी देख लेते हैं, हर्शकोविट्स संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहते हैं। सी में है, वॉबल क्या कह रहे हैं, संस्कृति प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है, उनके अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। एंड ऑप्शन डी में ये सभी है और यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चे का जो पिता बनने का अधिकार है वो निर्धारित किया जाता है, इनमें से कौन सी जनजाति है, टोडा, कादर, अंडमान द्वीप समूह के निवासी या फिर कमार जनजाति। टोडा जनजाति, कादर जनजाति, अंडमान द्वीप समूह के निवासी या फिर कमार जनजाति। किस जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चे का पिता बनने का जो अधिकार है वो निर्धारित किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। और जनजाति से याद आया, ट्राइबल सोसाइटी, जनजाति समाज से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है सिलेबस में, उसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहां से वीडियोस को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कौन सी जनजाति हो जाएगी, टोडा जनजाति, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और टोडा जनजाति पर जो फील्ड वर्क रहा है वो रिवर्स कर रहा है, रिवर्स ने अध्ययन किया है। और टोडा कहाँ रहती है, नीलगिरी पहाड़ियों पर देखने को मिलती है ये जनजाति, और इनमें बहुपति विवाह पाया जाता है। ठीक है, बहुपति विवाह पाया जाता है। नेक्स्ट है, किसने अभाव की राजनीति की व्याख्या की है, अभाव की राजनीति की व्याख्या इनमें से किसने की है, किसने बात की है। ऑप्शंस में योगेंद्र सिंह, एससी दुबे, आंद्रे बेते, कार्ल मार्क्स दिया हुआ है। क्या होगा, योगेंद्र सिंह, एससी दुबे, आंद्रे बेते, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस में है। अभाव की राजनीति से संबंधित कौन है, किसने बात की है, तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, आंद्रे बेते होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भूमिका शब्द का प्रयोग अपनी परिभाषा में विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया, भूमिका शब्द का प्रयोग अपनी परिभाषा में विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए इनमें से किसने किया है। ऑप्शंस में है रॉल्फ लिंटन, बोटोमो, फ्रेजर टॉनिस। क्या होगा,
लिंटन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, लिंटन ने प्रस्तुति और भूमिका की जो बात है सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से की थी। बुक का नाम क्या है? द स्टडी ऑफ मैन है, जिसमें उन्होंने ये बात की है। और स्टेटस यानी कि जो प्रस्तुति होती है उसके दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति। प्रदत्त प्रस्तुति जिसे व्यक्ति जन्म से प्राप्त करता है, व्यक्ति को जन्म से मिलती है। और अर्जित प्रस्तुति वो होती है जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता कार्य कुशलता के द्वारा प्राप्त करता है, तो वो अर्जित प्रस्तुति के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, रेडफील्ड ने कृषक समाज को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है? ऑप्शंस में है अवशिष्ट श्रेणी, विशिष्ट श्रेणी, अति विशिष्ट श्रेणी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर? अविशिष्ट श्रेणी होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कृषक समाज के बारे में क्या कहा था कि जब हम ग्रामीण समाज, जिसे हम रूरल सोसाइटी बोलते हैं, जब रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को अलग कर दिया जाता है, ग्रामीण समाज से जनजाति समाज को अलग करने पर जो शेष भाग बचता है वो क्या कहलाता है? वो कृषक समाज कहलाता है। तो जो शेष भाग है उसको ही वो बता रहे हैं। ठीक है, वो क्या बता रहे हैं? वो कृषक समाज है। श्रेष्ठ बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? कृषक समाज कहलाता है। इसको अवशिष्ट श्रेणी की बात करते हैं, उसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कृषक समाज को अवशिष्ट श्रेणी किसने कहा है, ऐसे करके भी पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है, आइए देख लेते हैं। ऑस्कर लेविस से संबंधित है ये तीनों। पहला है, इन्होंने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया। फिर है, इन्होंने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक माना। फिर इन्होंने रामपुर गांव का अध्ययन किया, यानी कि ऑस्कर लेविस ने। और यह बताना है कौन इसमें से सही है, ऑस्कर लेविस से संबंधित। क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि जजमानी व्यवस्था के बारे में बात की है और इन्होंने रामपुर गांव का अध्ययन किया है। इन्होंने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक नहीं माना था। प्रकार्यात्मक किसने बताया था? कि जजमानी व्यवस्था प्रकार्यात्मक संस्था है, वो विलियम वाइजर ने बताया था, जिन्होंने सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था। ठीक है, करीमपुर पर किया था। जजमानी सिस्टम नाम से इनकी बुक भी है वाइजर की, एंड आपको एक वीडियो मिलेगी, सर्च करिएगा गोल टू सक्सेस नाम से, गोल टू सक्सेस विलियम वाइजर जजमानी व्यवस्था या जजमानी सिस्टम आपको मिल जाएगी। वहां पर इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। न केवल विलियम वाइजर ने क्या कहा है जजमानी व्यवस्था के बारे में, उनकी जो धारणा रही है, इसके अलावा जो और भी समाजशास्त्री हैं जैसे कि ऑस्कर लेविस, ड्यूमो का क्या कहना है जजमानी व्यवस्था के बारे में, उसको भी वहां पर कंप्लीट कराया गया है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है जरूर देखिएगा। ऑस्कर लेविस की बात की जाए तो इन्होंने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था नहीं माना था, बल्कि एक शोषणात्मक संस्था बताया था। कि जो जजमानी व्यवस्था है वो शोषण करती है, उसमें जो उच्च जातियां होती हैं वे निम्न जातियों का शोषण करती हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया था। बाकी जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया, रामपुर गांव था इनका। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है? ऑप्शंस में है एंथोनी गिडेंस, एफ जेम्सन, फ्रेजर, जी एच मीड। क्या होगा? संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है, किसका कहना है? एंथोनी गिडेंस, जेम्सन, फ्रेजर, मीड ऑप्शंस में है। क्या होगा? एंथनी गिडेंस हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। एंथनी गिडेंस ब्रिटिश समाजशास्त्री थे और इनकी जो बुक्स थी, जैसे कि कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी है, एक बुक का नाम क्या है? कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी। एंड जो सेकंड बुक है, द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटीज। ठीक है, द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटीज पे एक है बुक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। संरचनाकरण की जो अवधारणा है वो भी एंथोनी गिडेंस ने ही दी है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और एंथोनी गिडेंस, ठीक है, इनका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहां पर
एंथोनी गिडेंस क्या है, दरिदा है, फूको है, हर्सल भी है, शुट्स भी है, हर्सल का नहीं आता है, शुट्स के ऊपर बात की गई है, और मीड है, ठीक है, ब्लूमर है। तो इन सभी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जो इनके थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इन वीडियोस में कंप्लीट कराया गया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पर फोल्डर बना हुआ है, तो वहां पर जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने परिभाषित किया है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्यों का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है? ऑप्शंस में है रॉबर्ट सी ब्रुक्स, इलियट एंड मेरिल, फेयर चाइल्ड, नील जे स्मिल्सर। क्या होगा? इलियट एंड मेरिल होगा। क्या होगा? इलियट एंड मेरिल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। एंड इस वीडियो में टोटल कितने क्वेश्चंस कराए गए हैं? 40 क्वेश्चंस कराए गए हैं। एंड जो आपकी कल वीडियो आएगी, क्लास भी जाएगी, उसमें भी 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे। एंड फिर ये जो 1000 प्रश्नों की जो प्रश्नों का संग्रह था, जो आप लोगों ने कराया जा रहा था पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैराथन क्लास, या फिर जो आपके जो पीजीटी एग्जाम में पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को कराया जाएगा। या तो पेपर को एक साथ ले लिया जाएगा, ठीक है, कि जो पेपर्स रहे हैं 2021 22 वाला, कौन सा जो 21 में हुआ था एग्जाम, वो वाला ऐसे कराया जा चुका है, या तो फिर ऐसे किया जाएगा, एक साथ ही मिक्स कर दिए जाएंगे एंड फिर उसको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो दो वीडियोस रहेंगी, इस वीडियो में भी 40 क्वेश्चंस एंड कल की वीडियो में भी 40 रहेंगे। तो जाइएगा मन, अभी आगे देखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मैचिंग वाला है, सर्वारा, पूंजीवाद की विचारधारा, श्रम का विभाजन, आदान प्रदान, यानी जजमानी व्यवस्था की बात हो रही है। यहाँ पर बताना है कौन सही है, इसमें से संबंधित कौन सा होगा, तो देखिए बताइए। कट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्या होगा? बी होगा यहाँ पर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्वहारा की बात किसने की है? कार्ल मार्क्स। पूंजीवाद की जो विचारधारा रही है, मैक्स वेबर की रही है। श्रम का विभाजन के ऊपर बात की है दुखीम ने, और जजमानी व्यवस्था की बात वाइजर ने की हुई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यह दिए गए समूह को सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है? ऑप्शंस में सीमेल, कोजर, डेहरनजॉफ है, एंड लास्ट में या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? संघर्ष को सकारात्मक भूमिका निभाने के साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये समूह की जो सामाजिक सुदृढ़ता है उसमें भी वृद्धि करता है। किसका कहना है? क्या होगा? कोजर होगा। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। कोजर को क्या कहते हैं संघर्ष के बारे में, कि संघर्ष ना केवल विघटनात्मक प्रक्रिया है, बल्कि यह संगठनात्मक भी है। समाज के लिए प्रकार का जो कार्य है वो भी संघर्ष करता है, कॉन्फ्लिक्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है? ऑप्शंस में ग्रीन, गिटलर, फिचर, पुले दिया हुआ है। सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है, यह कहना ग्रीन, गिटलर, फिचर या पुले, इनमें से किसका है, बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? फिचर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि प्रस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं? ऑप्शंस में है पार्सन, जेम्स सिल्वरबर्ग, आर के मर्टन, एम एफ निफॉफ। क्या होगा? प्रस्थिति एवं भूमिका
संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। क्या होगा? मर्टन। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और विचलन को मर्टन सामाजिक और सामाजिक के साथ साथ सांस्कृतिक अवधारणा बताते हैं। ठीक है, विचलन की बात सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं मर्टन, और संदर्भ समूह की भी इन्होंने अवधारणा दी हुई है। ठीक है, मर्टन भी और संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार भी बताते हैं, जो दो तत्व हैं या दो आधार हैं। एक तो इन्होंने बताया आकांक्षा, और दूसरा सापेक्ष बोध, सापेक्षहीनता या सापेक्ष वंचना या तुलनात्मक अभाव बोध जिसे बोलते हैं। इन दोनों आधार पर संदर्भ समूह के निर्माण की ये बात करते हैं। और संदर्भ समूह होता क्या है? ये मर्टन कहते हैं कि ऐसा समूह जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता है, पर सदस्य बनने का वो क्या करता है, उस समूह का सदस्य बनना चाहता है। ठीक है, तो उसको ही इन्होंने क्या कहा है, रेफरेंस ग्रुप कहा है, संदर्भ समूह कहा है। और समाज शास्त्र में पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने रेफरेंस ग्रुप की बात की है, तो बर्टन ही है, और आपको बताना है ऐसे किसने की है। ठीक है, बर्टन से भी पहले समाज शास्त्र के बारे में बात नहीं हो रही है, ऐसे किसने संदर्भ समूह की बात की है सबसे पहले। मर्टन ने तो समाज शास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले, ऐसे बताइए आप कमेंट में कि किसने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसके विचार अनुसार समूह आकार, एक रूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन है पीटर एम्पलॉ, किंग्सले डेविस, मर्टन, सबनर। किसके विचार अनुसार समूह आकार, एक रूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? पीटर एम्पलॉ, किंग्सले डेविस, मर्टन, सबनर दिए हुए हैं ऑप्शंस में। क्या होगा? किंग्सले डेविस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वह पद क्या है जिसकी रचना हिलर ने प्रस्तुति के लिए की थी, जो अन्यों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? ऑप्शंस में है मूल प्रस्तुति, उत्कृष्ट प्रस्तुति, मूल्य प्रस्तुति या फिर ध्रुवीय प्रस्तुति। क्या होगा? हिलर ने इनमें से किस प्रस्तुति की बात की थी, और ऐसा कौन सा पद है जिसे समाज में अन्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? मूल प्रस्तुति कहेंगे, उत्कृष्ट प्रस्तुति, मूल्य प्रस्तुति या फिर ध्रुवीय प्रस्तुति? क्या होगा? मूल प्रस्तुति होगा, या जिसे हम मुख्य प्रस्तुति भी कहते हैं, की स्टेटस इसे इंग्लिश में बोला जाता है, की स्टेटस। तो व्यक्ति की केवल एक प्रस्तुति नहीं होती है, कई सारी प्रस्तुति होती है। ठीक है, व्यक्ति कुछ जन्म से प्रस्तुति प्राप्त करता है और कुछ उसे अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करता है। तो जब व्यक्ति की ये जो सारी प्रस्तुतियां हैं, उनमें से किसी एक के द्वारा, किसी एक प्रस्तुति के द्वारा वो समाज में जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसको भी उन्होंने क्या कहा है हिलर ने, कि वो व्यक्ति की जिस प्रस्तुति के द्वारा वो सोसाइटी में जाना जा रहा है वो क्या है, मुख्य प्रस्तुति है व्यक्ति की या मूल प्रस्तुति। और हिलर का कहना है ये समानता क्या होती है, अर्जित प्रस्तुति होती है, जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। तो जो मुख्य प्रस्तुति है वो एक अर्जित प्रस्तुति है, ये कहना किसका है, हिलर का है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति को जो स्टेटस से रिलेटेड जो प्रसिद्धि मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, उसके द्वारा ही वो उसकी क्या होती है, समाज में क्या होता है, जाना पहचाना जाता है, तो ये याद रखिएगा। और बाकी जो हिलर है अन्य प्रस्तुतियों को वो क्या कहते हैं, समान प्रस्तुति। एक ऐसी प्रस्तुति जिसे वो समान में जाना जा रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी, मुख्य प्रस्तुति हो जाएगी। और बाकी जो प्रस्तुतियां हैं उसको हिलर क्या कहते हैं, वो सभी उसकी क्या है, समान प्रस्तुतियां हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित भूमिकाओं एवं प्रस्तुतियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन है मैकेवर, डेविस, सम्नर या फिर एजी फ्रैम। एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है? क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा?
डेविस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यह मान्यता है कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए। यह प्रतिलोम है, अपोजिट है किसके, संस्कृति ग्रहण के, नृजाति केंद्रवाद के, प्रभुत्व के, या फिर अल्पसंख्यकवाद के, क्या होगा? तो संस्कृति है, हर एक संस्कृति का जो मूल्यांकन है वो उसकी ही अपनी शर्तों पर होना चाहिए। ये किसका प्रतिलोम है, किसके विपरीत है? संस्कृति ग्रहण के है, नृजाति केंद्रवाद के है, प्रभुत्व के है, या फिर अल्पसंख्यकवाद के है, क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नृजाति केंद्रवाद। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा राइट आंसर। और ये कॉन्सेप्ट किसका है, समनर का है ये कॉन्सेप्ट। और नृजाति केंद्रवाद के बारे में क्या है, कहा जाता है कि ये कैसी प्रक्रिया या कैसे विचारधारा है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपनी संस्कृति के जो मानदंड मूल्य है, उन मानदंड के मूल्य के अनुसार वो दूसरे संस्कृति को समझता है, परखने का प्रयास करता है। तो ऐसे में निष्कर्ष निकल करके आता है कि उस व्यक्ति की जो संस्कृति है वो ही श्रेष्ठ है, बेहतर है, और जो दूसरे की जो संस्कृति है वो निम्न है। और यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि हर एक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी ही अपनी शर्तों पर होना चाहिए, इसके जो प्रतिलोम है उसको हम क्या कहेंगे, तो ये नजाती केंद्रवाद के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर ये आपको बताना है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति जो संस्कृति है उसका मूल्यांकन उसी के ही जो नियम है, शर्त है, मूल्य है, उनके आधार पर करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी। अब इस बुक के बारे में बताइए किसकी है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ऑप्शंस में है एसपी नगेंद्र, एससी दुबे, फ्रेजर, मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर इसे कर लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी है उसका नाम। तो यहाँ पर क्या होगा, एसपी नगेंद्र होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मॉर्गन के अनुसार निम्न में से कौन सा परिवार के उपविकास का सही क्रम है? अब ये बहुत बड़ा है, आप देखिए को बताइए। क्या बताइए, क्या होगा यहाँ पर, क्रमानुसार बताना है परिवार का उद्विकास का जो सही क्रम है उनमें से ये बताना है कौन सा है। सब आपको कराया जा चुका है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, समरक्त परिवार, समूह विवाहित परिवार, युगल परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, लास्ट में एक विवाहित परिवार। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय परंपराओं का सिक्स फोल्ड छह आयामी वर्गीकरण दिया है। ऑप्शंस में है राधा कमल मुखर्जी, योगेंद्र सिंह, आईपी देसाई और एससी दुबे। ठीक है, एससी दुबे यहाँ पर बताइए क्या होगा। एससी दुबे कर लीजिए ऑप्शन डी में। भारतीय परंपराओं का जो सिक्स फोल्ड या छह आयामी वर्गीकरण है वो इनमें से किसने दिया है? एक सेकेंड, बताइए। क्या होगा, ऐसे दुबे ही होंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जैसे कि रॉबर्ट रेडफील्ड दो परंपराओं की बात करते हैं, लघु परंपरा और बृहद परंपरा। तो इसका क्या कहना था दुबे का कि समाज में, भारतीय समाज में मात्र दो परंपराएं ही नहीं है, ठीक है, तो उनका असहमति व्यक्त करते हुए उन्होंने छह परंपराओं की बात की थी। और कौन कौन सी है परंपराएं, ये भी आपके पेपर में पूछी जाती है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली है शास्त्रीय परंपरा, ठीक है, पहली क्या हो जाएगी, शास्त्रीय परंपरा।
दूसरी परंपरा है स्थानीय परंपरा, फिर थर्ड नंबर पर तीसरी पर आती है स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, चौथे नंबर पर प्रादेशिक परंपरा है, ठीक है, प्रादेशिक परंपरा, और फिफ्थ नंबर, पांचवें नंबर पर राष्ट्रीय परंपरा आती है, और लास्ट में क्या हो जाएगी, पश्चिमी परंपरा, ठीक है। तो ये सारी परंपराओं को आपको याद रखना है, किसने बात की है, एस.सी. दुबे ने बात की है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है विभाजित समाज की अवधारणा संबंधित है, ऑप्शंस में है डेनियल बेल, फोस्टर, क्रोबर, आंद्रे आंद्रे गोर्स। बताइए विभाजित समाज की जो अवधारणा है वो इनमें से किसकी है, कौन है संबंधित? आंतरिक गोल से इनका पूरा नाम यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, आंतरिक गोल का ही ये कॉन्सेप्ट रहा है, अवधारणा रही है विभाजित समाज को, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप भी आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।